आपकी पार्टी के एमएलए हैं गांडे से सफरा जी, उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब ये बात चल रही है या बात की जा रही है पॉलिटिकल गलियारों में, आप भी सुने होंगे, आप जानते भी होंगे कि संभवतः उन्होंने सीएम साहब की पत्नी के लिए रास्ता क्लियर किया है। अगर ईडी एक्शन लेती है या कुछ कार्रवाई होती है, सीएम साहब को अपना इस्तीफा अपना अगर मेंबरशिप खोना पड़ता है तो फिर वहां से वो चुनाव लड़ेंगी। देखिए, राजनीति में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन किस वजह से उन्होंने दिया इस्तीफा वो तो बखूबी वही बता पाएंगे, और बाकी तो अटकलबाजियां हैं, लोग कयास लगाते रहे, इसके व्यक्तिगत कारण भी उनके हो सकते हैं, इसके कुछ राजनीतिक निहितार्थ भी हो सकते हैं। अब देखिए, इंतजार कीजिए, वेट एंड वॉच। बीजेपी का कहना है कि अब ये 2024 जो है वो सोरेन परिवार के लिए बहुत मुश्किल भरा होने वाला है। मैं एक ट्वीट पढ़कर आपको बताता हूँ। झारखंड के गांडे विधायक सरफराज अहमद ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। झारखंड के अगली मुख्यमंत्री उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जी होंगी। नया साल सोरेन परिवार के लिए काफी कष्टदायक है। ट्वीट है निशिकांत दुबे जी का। देखिए, सोरेन परिवार कटाक्ष तो लोग कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, निशिकांत दुबे की क्या औकात है जो सोरेन परिवार पर कुछ टिप्पणी करें। आज देखिए, कल इनके ट्वीट के क्या मायने होंगे, कल क्या होगा, वो तो कल किसी ने नहीं देखा है। लेकिन सोरेन परिवार जितना मजबूत था, जितना मजबूत है, उससे ज्यादा मजबूत कल होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। सरफराज जी की इस्तीफे का क्या मायने निकाला जाए? देखिए, उन्होंने तो बोला कुछ व्यक्तिगत कारण है, इसके व्यक्तिगत कारण है, कुछ इसके राजनीतिक निहितार्थ हैं, क्या है ये तो कुछ समय का इंतजार कीजिए, पता चलेगा। ऐसे वक्त पर ये इस्तीफा आया है कि सवाल उठना बहुत ही लाजमी है। ईडी लास्ट चांस देती है मुख्यमंत्री को, कहती है कि ये लास्ट चांस है, आइए नहीं तो अपन कार्रवाई होगी, आप नहीं आते हैं, जगह टाइम आप बता दीजिए। इस बीच में अगर इस तरह का इस्तीफा आएगा तो जो पहले से अटकलबाजी चल रही थी कि कहीं सीएम को डर है कि वो अरेस्ट हो जाएंगे, उनकी मेंबरशिप जाएगी, तो उसको तो हवा मिलेगी ही मिलेगी। आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप बताइए। देखिए, पार्टी हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में बहुत ही मजबूत स्थिति में है। जो संवैधानिक एजेंसियों के मार्फत से जिस तरह का कवायद किया जा रहा है, उसमें हर परिस्थिति से निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं, हर परिस्थिति से। इस मुगालते में विपक्ष के लोग न रहें कि ये इस सरकार को अस्थिर कर देंगे या सरकार को गिरा देंगे या किसी व्यक्ति विशेष को ये कुछ हानि पहुंचा देंगे। पूरी तरह से पार्टी सशक्त है, एकजुट है। हमारे नेता माननीय हेमंत जी एक प्रतिबद्ध और मजबूत इरादों वाला, एक वीर अभिमन्यु के समान, आधुनिक अभिमन्यु जो अपने शत्रुओं का संहार करते हुए चक्रव्यूह तोड़ेगा, वो अभिमन्यु। तो इंतजार कीजिए, सभी पर भारी पड़ेंगे। अभिमन्यु का नाम लिया आपने, रेफरेंस दिया अभिमन्यु के बारे में, आप जानते हैं चक्रव्यूह तोड़ने घुस तो गया था अभिमन्यु, निकल नहीं पाया था। मैं आधुनिक अभिमन्यु बोल रहा हूँ, वो महाभारत काल के अभिमन्यु नहीं, आज का अभिमन्यु सभी चक्रव्यूह को तोड़कर आगे बढ़ेगा। तमाम झारखंडी जनता उनके साथ है, ये याद रखिएगा।